ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती प्रकरण में दून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने घटना के मास्टरमाइंड शशांक को पटना बेऊर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी शशांक ने बेऊर जेल से ही पूरी डकैती की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी शशांक को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया गया है, जहाँ आरोपी से पूछताछ की जा रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जो ज्वेलरी शॉप में जो डकैती की घटना हुई थी, इसमें पुलिस द्वारा जब विभिन्न प्रांतों से और ऐसी घटनाओं की जानकारी मिली तो सभी साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ा गया और एक गैंग चिन्हित हुआ, जो पता चला कि कहीं जेल के अंदर से ऑपरेट कर रहा था और साथ ही साथ नए नए लड़कों को वारदातों के लिए भेजता था। इसमें अब तक कुल 10 लोग जो डायरेक्ट जो घटना में शामिल थे, साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो षड्यंत्र में शामिल थे। कुछ लोगों द्वारा गाड़ियों को मुहैया कराया गया था, कुछ लोग द्वारा पैसे का ट्रांजेक्शन करके गैंग को मदद की गई थी। इसमें अब तक 10 लोग की जो गिरफ्तारी हुई थी, उसमें अब मेन जो मास्टरमाइंड जो अंदर से ऑपरेट कर रहा था शशांक नाम का, इसको पटना के बेऊर रोड से गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर 3 दिन की पुलिस लेकर वहाँ से आ रही है। क्योंकि प्राथमिक जो जितनी हमारे पास जानकारी अभियुक्तों से मिली थी, अन्य सोर्सेज से मिली थी, उसमें